हेलो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी इन हिंदी चैनल में आपका अपना स्वागत है। सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे बायोलॉजी को हिंदी में समझने के आपको मौका मिल जाए। तो आज के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा, इससे पहले मैंने आनुवंशिक के जो भी वीडियो डाले हैं, पहले आप आनुवंशिक से रिलेटेड जितने भी बेसिक नॉलेज है वो आप देख लीजिए वीडियो में, फिर आप इस वीडियो को देखिए, जिससे आपको थोड़ा सा आनुवंशिक का पता चले। आपको पता ही होगा कि आनुवंशिक के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो प्रयोग किया था, अब हम उन प्रयोगों के बारे में इसमें बताएंगे। तो मेंडल ने सबसे पहले एक संकर संकरण प्रयोग किया था, मेंडल का एक संकर संकरण प्रयोग। से कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब पहले तो इन्हीं शब्दों से ही कुछ समझ लेते हैं कि एक संकर संकरण का मतलब क्या है। पहले भी बता चुके कि मेंडल मटर के कुल 7 लक्षणों को लेकर क्रॉस कराया था। उन 7 लक्षणों में से एक लक्षण को लेकर जब उन्होंने क्रॉस कराया, तब उसे कहते हैं एक संकर संकरण प्रयोग। जब मेंडल इन 7 लक्षणों में से किसी एक लक्षण को सेलेक्ट करके जब क्रॉस कराया, तब इसे कहते हैं एक संकर संकरण। मतलब हम सीधे कह सकते हैं कि जब मटर के एक लक्षण को लेकर क्रॉस कराया जाता है, संकरण कराया जाता है, तब इसे कहते हैं एक संकर संकरण। संकरण का मतलब लक्षण, ये सब मैं पहले भी वीडियो में जो अपलोड कर चुका हूं उसमें आपको बता चुका हूं, तो उसको आप पहले देख लें, फिर इस टॉपिक को देखिए कि मेंडल का एक संकर संकरण प्रयोग कैसे होता है। तो इसके कुछ चरण हैं। पहला, मेंडल ने शुद्ध लंबे एक ही लक्षण लिया था, तो एक लक्षण में उन्होंने लिया था शुद्ध लंबा पौधा, शुद्ध लंबे जिसे टॉल कहते हैं, तथा शुद्ध बौने, बौने का इंग्लिश है डॉर्फ, शुद्ध बौने पौधों का चयन किया। देखिए शुद्ध लंबे का मतलब क्या होता है, शुद्ध लंबे का मतलब होता है कि जो जीन हो, लंबा जीन, लंबे पौधे का जो जीन हो वो हमेशा शुद्ध हो, मतलब कैपिटल टी हो। इससे पहले मैं बता चुका हूं कि लंबे पौधे के लिए दो जीन होते हैं, कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी। तो कैपिटल टी स्मॉल टी शुद्ध नहीं कहलाएगा, वह संकर कहलाता है। इसलिए शुद्ध के लिए हम हमेशा कैपिटल टी यूज करते हैं। मतलब शुद्ध का मतलब होमोजाइगस हो, संयुग्म जीव हो। शुद्ध बौना, चाहे शुद्ध बौना कहिए या ना कहिए, बौना तो हमेशा क्या होगा, स्मॉल टी ही होता है। तो शुद्ध कहिए चाहे ना कहिए, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो इन्होंने शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने पौधे का चयन किया। इन पौधों को जनक पीढ़ी जिसे पैरेंटल जनरेशन कहते हैं, से P1 से रिप्रेजेंट करते हैं, कहा। दूसरा चरण आता है, उन्होंने इन शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधों के बीच संकरण कराया, मटर के लंबे पौधों और बौने पौधों के साथ के बीच संकरण किया। संकरण का मतलब होता है किसी भी नर को मादा के साथ फ्यूज कराना, या नर और मादा का आपस में संलयन संकरण कहलाता है। तो जब मटर के लंबे पौधे और बौने पौधे का एक दूसरे से संकरण कराया गया, तब इनसे प्राप्त सभी पौधे, मतलब इन दोनों के संकरण से जो नए पौने जो पौने सॉरी जो पौधे उत्पन्न हुए, वे सभी पौधे क्या थे, लंबे थे। अभी आपको इसको हम सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे कैसे होता है। इस प्रकार
दो विपरीत गुण वाले, दो विपरीत गुण वाले जनक पौधे के संकरण से उत्पन्न पौधों को संकर तथा इस पीढ़ी को प्रथम संतानीय पीढ़ी F1 जनरेशन, फीलियल जनरेशन कहते हैं इसका इंग्लिश होता है फीलियल जनरेशन, इसे F1 से रिप्रेजेंट किया जाता है कहते हैं। तो अब हम आपको यहां पर सिंपली रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं कि कैसे होता है, लेकिन अभी इससे पहले हम एक और पॉइंट पढ़ लें, फिर हम आपको डिटेल बताएंगे कि संकर प्रयोग कैसे होता है। तो आखिरी जब इन्होंने F1 पीढ़ी जब देखा कि लंबे पौधे को बौने पौधे के साथ क्रॉस कराया, मतलब एक लंबा पौधा लिया उसको एक बौने पौधे के साथ क्रॉस कराया, तो देखा कि लंबे पौधे और बौने पौधे का जब क्रॉस कराया तो इन दोनों का जो लक्षण था, लंबे पौधे का जीन गया बौने पौधे का जीन गया, तो इनसे या तो इन दोनों के बीच का बनना चाहिए था या, लेकिन हुआ क्या कि इन दोनों के बीच का ना बनके सिर्फ प्रभावी लक्षण ही प्रदर्शित हुआ। मतलब जो F1 जनरेशन था पहला प्रथम पीढ़ी वो क्या बना, लंबा पौधा बना। तो वो परेशान थे, मेंडल काफी समय तक इस बारे में सोचे कि क्यों ऐसा हुआ कि F1 में सिर्फ लंबे पौधे का लक्षण ही प्रदर्शित हुआ, बौने पौधे का लक्षण प्रदर्शित क्यों नहीं हुआ। तो बहुत काफी सोचने के बाद ये आखिर में एक और प्रयोग किए, और वो प्रयोग क्या था कि जो ये F1 बना है इस F1 पीढ़ी को ग्रो करने दिए, उगने दिए, मतलब ये जो लंबा पौधा बना इनको आपस में स्वपरागण होने दिया। फिर देखते हैं कि क्या होता है, स्वपरागण का मतलब होता है कि जैसे ये F1 पौधे का लंबा पौधा बना तो इसमें जो पुष्प निकलेगा, तो पुष्प चूंकि मटर के पुष्प जो होते हैं उभयलिंगी होते हैं, इसमें नर व मादा एक ही पुष्प पर उपस्थित होते हैं, तो हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है, वो अपने आप फ्यूजन कर लेता है मादा युग्मक नर युग्मक के साथ, और इसे कहते हैं स्वपरागण। मेंडल ने लंबे पौधों वाली प्रथम संकर पीढ़ी में स्वपरागण होने दिया। यदि आपको स्वपरागण नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं, पर इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया हूँ स्वपरागण क्या होता है और परपरागण क्या होता है, तो उसमें आपको गाइडेंस समझ में आएगा कि स्वपरागण क्या होता है। तो स्वपरागण होने दिया और इनसे प्राप्त बीजों को बोने पर द्वितीय संतानीय पीढ़ी जिसे हम कह सकते हैं F2, F2 में लंबे एवं बौने पौधे 3:1 के अनुपात में 3:1 के रेशियो में प्राप्त हुए हैं। मतलब अब उन्हें बौने पौधे का लक्षण दिखाई दिया, कब, दूसरे जनरेशन में, एक पीढ़ी में सिर्फ लंबा पौधा ही उत्पन्न हुआ, दूसरे पीढ़ी में जाकर ये बौने पौधे का लक्षण प्रदर्शित हुआ। तो इसको समझने के लिए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम आपके सामने पेश करते हैं, वह यह है कि मेंडल ने शुद्ध लंबे पौधे को शुद्ध लंबे पौधे का क्रॉस कराया किसके साथ, बौने पौधे के साथ, बौने पौधे के साथ। तो शुद्ध लंबे का जो जीनोटाइप है वो कैपिटल टी है, और जो बौना पौधा है उसका स्मॉल टी, याद रखिएगा। यह क्या है, जनक है P1। तो पहले जनक से युग्मक उत्पन्न होता है, गैमीट फॉर्मेशन होता है, पैरेंट से पहले क्या होगा,
युग्मक उत्पन्न होता है? गैमीट। चूंकि पुष्प में लैंगिक जनन होता है, मटर में लैंगिक जनन होता है, इसलिए यहां पर मादा युग्मक, एक पौधे से मादा युग्मक और दूसरे पौधे से नर युग्मक बनता है। चलिए इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं फ्लावर का स्ट्रक्चर देख के। जैसे ये एक मटर का पौधा है, तो मटर के पौधे में, हर किसी पौधे में जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, मतलब जनन अंग होता है, वह होता है उसका पुष्प। तो आइए हम पुष्प के बारे में आपको हम थोड़ा सा बता दें, तब फिर आपको समझ में आएगा कि ये कैसे होता है। तब जनन के बारे में भी थोड़ा सा आपको जानना पड़ेगा। इसमें जो पुष्प का, मतलब किसी भी पौधे का जो पुष्प होता है, वही उस पुष्प का लैंगिक अंग होता है। जैसे ये है मटर के पौधे का पुष्प। चूंकि मटर का पौधा उभयलिंगी होता है, इसमें नर और मादा भाग दोनों पाए जाते हैं। हमें इंपॉर्टेंट क्या है बस वो देखना है, जानना आपको क्या है कि नर भाग कौन सा होता है किसी भी पुष्प का और मादा भाग क्या होता है। तो किसी भी पुष्प का जो नर भाग होता है वह यह है, और ये भाग जो कहलाता है मादा भाग। मादा भाग तो यहां पर अंडाणु का फॉर्मेशन होता है, एग का, अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है, और यहां पर इसे कहते हैं पराग कोष। पराग कोष में पराग कण का निर्माण होता है, पराग कण के अंदर नर युग्मक होते हैं, और यहां पर अंडाशय के अंडाणु में, या अंडाणु को ही क्या कहते हैं, मादा युग्मक। और आपको पता होगा कि जनन क्या कहलाता है, जिससे संतान की उत्पत्ति होती है, जनन क्या कहलाता है, नर युग्मक। जब मादा युग्मक के साथ फ्यूज करते हैं तो उनसे जायगोट उत्पन्न होता है, इसे कहते हैं भ्रूण, और जायगोट ही नए शिशु को जन्म देता है। अगर हम पौधे की बात करें तो नए पौधे को जन्म देता है। तो इतना पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट समझना, तभी आपको जनन समझ में आएगा, पौधे का जनन समझ में आएगा, और तभी आपको जेनेटिक्स समझ में आएगी। तो ध्यान दीजिए कि किसी भी पुष्प में एक होता है ये स्ट्रक्चर मादा भाग, और ये होता है नर भाग। मादा में, अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है जो कि मादा युग्मक है, और इस भाग में पराग कोष के अंदर पराग कण का निर्माण होता है जिसके अंदर नर युग्मक होता है। तो ये यहां पर पराग कण जो बनते हैं, वो पराग कण जब पुष्प पूरी तरीके से विकसित हो जाता है तो पराग कण आता है इसके वर्तिकाग्र पर, ये रीजन कहलाता है पुष्प का वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र पर आता है और पॉलन ग्रेन, मतलब पराग कण यहाँ पर जर्मिनेट होता है, अंकुरित होता है, और पॉलन ट्यूब रिलीज करता है। पॉलन ट्यूब यहाँ पर अंदर जाती है और इसके अंडाशय के अंदर प्रवेश करती है, और अंडाशय के अंदर नर युग्मक को छोड़ देती है, और तब नर युग्मक इस मादा युग्मक के साथ फ्यूज करता है और भ्रूण बनाता है, और भ्रूण से नया संतान की उत्पत्ति होती है। तो इतनी बात आपको समझ में आई। यहां हम क्यों बता रहे हैं इसे जनन के बारे में, क्योंकि अनुवंशिकी में ये जो आप देख रहे हैं शुद्ध लंबे पौधे टी कैपिटल टी स्मॉल टी का फ्यूजन कैसे होगा, ऐसे ही होगा। मतलब एक शुद्ध लंबे पौधे का हम क्या करेंगे, हम चूंकि पर परागण करा रहे हैं, क्रॉस पॉलिनेशन करा रहे हैं, संकरण करा रहे हैं हम अपने हिसाब से, ये तो अगर खुद ब खुद हो रहा है किसी भी पुष्प में तो यह स्वपरागण कहलाता है, या किसी भी पुष्प में खुद ब खुद होता है तब यह स्वपरागण कहलाता है। लेकिन जब हम, जब अपने मानव द्वारा ये कराया जाता है तब ये कहलाता है क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण। तो हम शुद्ध लंबे पौधे का ये भाग काट देते हैं तो ये भाग सिर्फ बचा, बौने पौधे का हम क्या करेंगे, ये भाग ले लेंगे जो कि परागकण, यहां से परागकण ले लेंगे बौने पौधे का, तो जो बौने पौधे का नर युग्मक हो जाएगा और शुद्ध लंबे पौधे का मादा युग्मक। इस प्रकार से हम दोनों के, एक शुद्ध लंबे का मादा युग्मक का उपयोग कर लेंगे और बौने पौधे का नर युग्मक का उपयोग कर लेंगे, और इस नर युग्मक को कहां ले जाकर इंजेक्ट करा देंगे, वर्तिकाग्र पर हम परागकण को, बौने पौधे के परागकण को छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से मादा युग्मक तो शुद्ध लंबे पौधे का है और नर युग्मक बौने पौधे का है, तो इस प्रकार से हम दो भिन्न
आनुवंशिक लक्षणों वाले जनकों के बीच हम संकरण करा सकते हैं, और इसमें दोनों का, इसका लक्षण यहाँ पर है कैपिटल टी और यहाँ पर स्मॉल टी, लेकिन हम यहाँ पर चूंकि युग्मक हैं, यही बात हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि युग्मक बनते समय मतलब अंडाशय में अंडाणु बनते समय सिर्फ अर्धसूत्री विभाजन होता है, पूरे शरीर में चाहे वो मनुष्य हो चाहे पौधा हो सिर्फ एक ही जगह पर अर्धसूत्री विभाजन होता है, वह जगह है जनन कोशिका, वह है जनन कोशिका, एक ऐसी कोशिका जिससे युग्मक का निर्माण होता है, मादा में मादा युग्मक का निर्माण हो और नर में नर युग्मक का निर्माण हो, तब यह कहलाता है जनन, जनन कोशिका से ही इनका निर्माण होता है। तो जनन कोशिका में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तभी मादा युग्मक का निर्माण होता है या परागकण का निर्माण होता है, तो दोनों का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन से होता है। तो हम आपको कोशिका वाले चैप्टर में बता चुके हैं कि किस तरीके से अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन का मतलब होता है कि यदि गुणसूत्र की संख्या जनन कोशिका में 2n है, 2n है, तो मादा युग्मक इससे अगर मान लो कि जनन कोशिका से ये मादा युग्मक बन रहा है तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा तो गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, मतलब इसमें गुणसूत्र n जाएगा। इसी तरीके से जब कि नर जनन कोशिका से नर युग्मक का निर्माण होता है तब भी अर्धसूत्री विभाजन होता है और यहाँ 2n है तो यहाँ पर n होता है, गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। तो इसी प्रकार से जब नर युग्मक मतलब n मादा युग्मक n से मिलता है तब फिर से भ्रूण में 2n का निर्माण होता है, मतलब नए शिशु में 2n गुणसूत्र की संख्या होती है। तो अब हम आपको एक्चुअल में मेंडल का एक संकर संकरण प्रयोग बताने जा रहे हैं कि कैसे मेंडल का एक संकर संकरण प्रयोग हुआ था। इसमें मेंडल ने एक संकर संकरण मतलब एक ही मटर के एक ही लक्षण को लिया था, वो था शुद्ध लंबा पौधा। तो शुद्ध लंबा पौधे को उन्होंने बौने पौधे के साथ क्रॉस कराया था, बौने पौधे के साथ। तो शुद्ध लंबे पौधे के लिए, शुद्ध लंबे पौधे के लिए कैपिटल टी और शुद्ध बौने पौधे के लिए स्मॉल टी। अभी हमने आपको बताया है कि इनसे ये तो क्या है, जनक है, इसे हम P1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पैरेंटल वन। तो इनसे किसका निर्माण होगा, पहले युग्मक का निर्माण होगा। तो युग्मक का निर्माण होगा तो क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा तो गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाएंगी, तो गुणसूत्र आधे होंगे तो जीन भी आधे होंगे, मतलब युग्मक में सिर्फ एक जाएगा कैपिटल टी। एक कोशिका है, ये पूरी एक कोशिका है, जनन कोशिका। एक कोशिका के विभाजन से दो कोशिका बनती है, मतलब जो दो कोशिका बनेगी उसमें गुणसूत्र की संख्या आधी आधी जाएगी, मतलब कैपिटल टी जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर बौने पौधा है तो बौने पौधे में भी अर्धसूत्री विभाजन होगा और युग्मक जो बनेगा वो स्मॉल टी होगा। तो अब हमें पता नहीं होता है कि कौन सा युग्मक किसके साथ फ्यूज कर ले, तो हम चारों पॉसिबिलिटी देख लेते हैं कि कौन कौन सा होगा। चारों में सेम होगा, कैपिटल टी यदि यह नर युग्मक, हम इसे मान लेते हैं फीमेल है, सॉरी वो मेल है और ये है फीमेल मादा युग्मक, तो यहाँ पर नर युग्मक इस मादा युग्मक के साथ फ्यूज करेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, यदि यह इससे फ्यूज करता है तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, यदि यह इससे फ्यूज करता है तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, यदि यह इससे यूज करता है। हर केस में, चूंकि F1 जनरेशन में मेंडल ने पहले ही बता चुका है कि F1 जनरेशन में सभी पौधे क्या बनेंगे, देखिए सभी पौधे क्या बनेंगे, लंबे, क्योंकि कैपिटल टी प्रभावी लक्षण का जीन प्रेजेंट है तो लंबा ही बनेगा, स्मॉल टी है ये अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं कर पाएगा क्योंकि यहां पर प्रभावी जीन का जीन उपस्थित है प्रभावी लक्षण का, तो कैपिटल टी, तो सभी पौधे क्या होंगे, लंबे होंगे, सभी पौधे लंबे होंगे। ध्यान दीजिएगा यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये यहाँ पे समझने वाला बात यहीं पे है कि शुद्ध लंबा है तो यहाँ पर शुद्ध लंबा जो पौधा है उसके सभी कोशिकाओं में कैपिटल टी होगा, लेकिन युग्मक में सिर्फ एक टी होगा कैपिटल टी। तो युग्मक बनते समय हमेशा अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे कि आधे गुणसूत्र की संख्या जाती है, तो यहाँ पर कैपिटल टी, यहाँ पर स्मॉल टी, तो ये प्रोसेस होता है, ये कहलाता है एफ1 जनरेशन। सभी पौधे लंबे बनते हैं। तो मेंडल ने देखा कि भाई F1 जनरेशन तक में देखा कि सिर्फ सारे पौधे लंबे बने जबकि क्रॉस था बौने पौधे के साथ भी, तो बौने पौधे का लक्षण कहाँ गया, तो बौने पौधे का लक्षण प्रदर्शित तो नहीं हुआ लेकिन उसका जीन तो यहीं पर है जो अगले जनरेशन में प्रदर्शित करता है। तो मेंडल ने क्या किया, F1 का मतलब इनका स्वपरागण होने दिया, F1 का स्वपरागण होने दिया। स्वपरागण का मतलब होता है इसी का इसी के साथ क्रॉस होने दिया, मतलब कैपिटल टी का क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ होने दिया। तो अब ये जनक हो गए तो इन्हें कह सकते हैं P2,
तो अब इनसे युग्मक बनेगा, तो ये भी एक कोशिका है ना, तो ये कोशिका है डिवाइड होंगी तो दो कोशिका बनाएंगी, और दोनों कोशिका में गुणसूत्र की संख्या आधी आधी, मतलब कैपिटल टी इसमें और इसमें स्मॉल टी जाएगा, इसमें भी कैपिटल टी और इसमें स्मॉल टी जाएगा। तो अब ये चूंकि ये तो युग्मक है ना, ये युग्मक बना, अब कौन सा युग्मक किस, ये हो गया मेल, ये हो गया फीमेल, कौन सा नर युग्मक किस मादा युग्मक के साथ फ्यूज कर ले हमें पता नहीं होता, तो हम चारों पॉसिबिलिटी देख लेते हैं। यदि यह इससे फ्यूज करेगा तो बनाएगा कैपिटल टी कैपिटल टी, यदि यह इससे फ्यूज करता है तो बनाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, यदि यह इससे फ्यूज करता है तो बनाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, यदि इससे फ्यूज करता है तो बनाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, सॉरी, ये इससे फ्यूज करेगा तो स्मॉल टी और स्मॉल टी बनेगा। तो यहां पर देखिए ये क्या होगा, ये होगा शुद्ध लंबा, क्या होगा शुद्ध लंबा, क्योंकि लंबा जीन का दोनों प्रेजेंट है जीन कैपिटल टी ये दोनों क्या होंगे संकर लंबा, संकर लंबा, और यह होगा बौना। इस प्रकार से हमें जो F1 जनरेशन में लंबे पौधे का लक्षण प्रदर्शित नहीं हुआ वो कहां प्रेजेंट हो रहा है F2 जनरेशन में, दूसरी पीढ़ी में। तो जब किसी लक्षण का आप एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आता है तो हो सकता है कि वह लक्षण प्रदर्शित ना हो, छिपा रह जाए, तो वह दूसरे किसी लक्षण में प्रदर्शित होता है। यही मेंडल के एक संकर संकरण प्रयोग था और यह निष्कर्ष निकाला था कि F1 जनरेशन में कोई भी लक्षण प्रदर्शित नहीं होता है अप्रभावी जीन का, लेकिन अप्रभावी जीन छिपा रहता है। जब F1 का स्वपरागण होने देते हैं तब F2 में एक जो पौधा बनेगा, मतलब परसेंटेज अगर देखा जाए, अगर 100 बनेंगे तो 100 में से क्या होगा 25 बौना पौधा बनेगा और 75 लंबा बौना लंबा बनेगा, मतलब इनका जो रेशियो होता है 3:1, तीन क्या होंगे लंबे बनेंगे और एक बौना पौधा बनता है। तो इस प्रकार से यहां पर ध्यान देने वाली बात सिर्फ इतना है कि जब हम ये लिखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी तो हमें हमेशा युग्मक बनाना है, क्योंकि युग्मक ही एक दूसरे से, नर युग्मक ही मादा युग्मक से मिलते हैं तब नया पौधा उत्पन्न होता है, ऐसे नहीं। तो आपको यहां पर सावधानी रखनी है कि जब भी जनक की बात आए तो जनक हमेशा कैपिटल टी स्मॉल टी, या कह सकते हैं कि दो जीन होंगे, दो कारक होंगे, और युग्मक में सिर्फ एक अकेला जीन होगा, एक लक्षण लक्षण में, एक संकर संकरण में, एक संकर संकरण मतलब एक ही लक्षण को जब हम लेकर क्रॉस करते हैं, क्योंकि एक लक्षण के निर्धारित करने के लिए दो कारक होते हैं, और कारक को ही जीन कहते हैं, जो युग्मक बनते समय आधे आधे डिवाइड हो जाते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। हमें पता नहीं होता कि कौन सा युग्मक किसके साथ फ्यूज कर ले, तो हम चारों पॉसिबिलिटी देख लेते हैं। कैपिटल टी के साथ फ्यूज करता है तो बनाता है शुद्ध लंबा, कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ बनेगा तो ये देखिए दोनों चूंकि कैपिटल टी है और स्मॉल टी भी है तो ये संकर हो जाएगा हाइब्रिड, तो इसे कहते हैं संकर लंबा। अब इसके बाद इसका पॉसिबिलिटी देखते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, हमेशा कैपिटल टी को ही पहले लिखते हैं, स्मॉल टी को उसके बाद, क्योंकि कैपिटल टी प्रभावी होता है, तो इन दोनों से क्या बनेंगे संकर लंबा, और स्मॉल टी से बौना पौधा बनता है। तो इस प्रकार से जब मेंडल शुद्ध बौने और शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बौने पौधे का जब क्रॉस कराया तो प्रथम पीढ़ी में कोई भी लक्षण प्रदर्शित नहीं हुआ, तब उन्होंने F2 जनरेशन होने दिया, मतलब F1 का स्वपरागण होने दिया, तब उन्हें F2 जनरेशन में बौने पौधे का लक्षण प्रदर्शित हुआ। इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि लक्षणों के जो जीन होते हैं वो किसी, हो सकता है किसी जनरेशन में, किसी पीढ़ी में प्रदर्शित ना हो तो अगले पीढ़ी में प्रदर्शित होते हैं, उसका कारण क्या होता है अप्रभाविता, यही कहलाता है मेंडल का एक संकर संकरण प्रयोग, जिसमें जो रेशियो आता है वो F2 रेशियो है 3:1, जिसमें तीन लंबा होता है एक बौना पौधा होता है। देखिए एक लंबा हुआ, दूसरा दो, तीन लंबे हुए और एक बौना हुआ। तो उम्मीद है कि एक संकर संकरण प्रयोग आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आपको समझ में आ गया तो आप बने रहिए इस चैनल से, जिससे आपको जेनेटिक्स के सारे पॉइंट्स मैं आपको क्लियरली समझा सकूं। और उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया, यदि समझ में आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और बालाजी इन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।